नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल और प्रस्तुत है आज के समाचार। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने यहां रविवार जम्मू के भगवती नगर में रैली के दौरान कहा कि असम की तर्ज पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। जम्मू के भगवती नगर में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि एवं विजय संकल्प रैली में अपने 30 मिनट के संबोधन में शाह ने कहा कि भारत से जम्मू कश्मीर को कोई नहीं छीन सकता, पुलवामा के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने के प्रयासों को कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं। पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कर दी गई थी, इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था, यही करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और इसलिए फिर से मैं एक बार नारा लगाता हूँ, मेरे साथ जोर से बोलिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण कश्मीर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है, जिसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक DSP के शहीद होने की खबर है। बताया जा रहा है कि सेना और पुलिस के 2 जवान भी गंभीर रूप से घायल हैं। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक बुलाई। ये बैठक विशेष रूप से पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद के घटनाक्रम के संदर्भ में वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई थी। इस बैठक में बताया गया कि कश्मीर में अतिरिक्त केंद्रीय बलों को चुनाव के उद्देश्यों को देखते हुए तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान अनुच्छेद 35A पर सोमवार को होने वाली सुनवाई को लेकर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं ने रविवार को बंद का आह्वान किया है। इसके साथ ही पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति व्याप्त है। घाटी में तनाव और बंद के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। घाटी में तनाव और बंद के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। पूरे श्रीनगर में धारा 144 लागू कर दी गई है और कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। हालांकि गृह मंत्री ने अतिरिक्त बलों की तैनाती को चुनाव पूर्व तैयारियों से जोड़कर एक नियमित अभ्यास बताया है। जम्मू रियासत में शुक्रवार की रात सुरक्षा बलों ने छापेमारी कर 150 से अधिक अलगाववादियों और पत्थरबाजों को हिरासत में लिया है। इनमें ज्यादातर जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं। जमात इस्लामी के राज्य प्रमुख अब्दुल हमीद फयाज भी पकड़े गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 35A पर 26 फरवरी से शुरू हो रही सुनवाई से पहले घाटी में व्याप्त तनाव के मद्देनजर ये धड़कप की गई है। हालांकि पुलिस ने इसे नियमित प्रक्रिया बताते हुए कहा कि कुछ नेताओं और पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है। JKSSB ने शिक्षकों के 2154 पदों के लिए चयन को मंजूरी दी। एक बड़ी पहल में J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, बड़गाम, गांदरबल, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, शोपिया, श्रीनगर, सांबा के 14 जिलों के लिए शिक्षकों के 2154 पदों के लिए चयन को मंजूरी दे दी है। उधमपुर, रियासी और राजौरी बोर्ड ने इन चयनों के खिलाफ प्रतीक्षा सूची में 1000 से अधिक उम्मीदवारों को शामिल करने की भी मंजूरी दी। श्रीनगर के कई इलाकों में रविवार को अलगाववादियों के बंद के चलते कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। पुलिस ने एक अधिकारी से बताया कि श्रीनगर के 5 थाना क्षेत्रों में ये धारा लागू की गई है। गृह मंत्री राजनाथ ने एम्स में घायल जम्मू कश्मीर के DIG अमित कुमार से की मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को एम्स का दौरा किया और जम्मू कश्मीर के DIG अमित कुमार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। अमित कुमार पुलवामा में हाल ही में हुए एनकाउंटर टेरर ऑपरेशन में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कुलगाम जिले के तुरीगाम इलाके में मुठभेड़ में शहीद हुए अमन ठाकुर की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मुठभेड़ के दौरान घायल हुए सुरक्षा कर्मियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। जिला राजौरी के LOC के साथ छोटे हथियारों से मोटर और फायरिंग के साथ गोलाबारी कर बिना किसी रोक टोक फायर वायोलेशन शुरू किया। LOC पर पाक अपने नापाक मंसूबों के साथ जारी है। भारतीय सेना जोरदार और प्रभावी तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रही है। Are you suffering from any type of skin disease?
Do you lose your confidence because of your baldness? Do you want to remove your tattoo, unwanted hair or black moles without any surgery? So here is Shine and Glow Laser Aesthetic and Cosmetic Cleaning.